मारुति वर्कर्स का संघर्ष ये पिछले साल शुरू हुआ ऐसा नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि सन 2000 से जब से मारुति का निजीकरण हुआ तब से ये परिस्थितियाँ जानबूझकर बनाई गई जिसके तहत मजदूर संगठित न हो सके और अपने खुद की मर्जी का वो यूनियन न बना सके। इसी को लेकर 2000 से जो लगातार मारुति में उद्योग में परिवर्तन आए, मजदूरों की छटनी से शुरू होकर ठेका मजदूरी की संख्या में बढ़ोतरी, ये तमाम चीज़ें बहुत पुरानी है और ये संघर्ष भी बहुत पुराना है। आज ठेका मजदूरी और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नाम पर मजदूरों को जो विभाजित किया गया है, जहाँ एक तरफ कहा गया है कि ठेका मजदूर के जो मजदूर हैं वो ठेका मजदूरी कानून के अंतर्गत आएंगे और बाकी मजदूर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आएंगे, ये जो विभाजन किया है मजदूर वर्ग का, इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करें कि वो ज्ञापन देकर या न्यायालय में जाकर आपको इंसाफ मिल जाएगा, आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, हम सबको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं रुक चलती, कोई किसी की सुनता नहीं जब तक ये लोग संघर्ष नहीं करें। आज सवाल सिर्फ मारुति के मजदूरों का नहीं है, देश भर में जो मजदूरों का दमन, मजदूरों का शोषण उत्पीड़न है वह इन तनख्वाहों के मांग से हल होने वाला नहीं है। तनख्वाह बढ़ा देने से फंड बोनस का मुद्दा अब नहीं रह गया है, अब मुद्दा पटल पे आ रहा है, वो मुद्दा है मजदूर राज का मुद्दा, समाजवाद का मुद्दा, इस पूंजीवाद के खत्मे का मुद्दा इस पटल पे आ रहा है और उसकी जमीन खुद पूंजीपति वर्ग अपने इस तानाशाहियों से, अपने इस डिक्टेटरशिप के माध्यम से मजदूर वर्ग को, जिस बात को मैं शुरू में कह रहा था कि हमारे जैसे मजदूर को ये बात समझ में नहीं आती थी, जब हम फैक्ट्री में काम करते थे तो साथी बताते थे कि ये जो श्रम मंत्री बैठा है, ये लेबर अफसर बैठा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो हमारे समझ में नहीं आती थी। और जब देश में जितना ही मजदूरों का दमन, मजदूरों का उत्पीड़न, मजदूर अधिकारों का हनन होता रहेगा और हो रहा है, मजदूर मारुति के मजदूर अपनी यूनियन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो जेलों में ठूस दिए जाते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए जो इस देश के संविधान में तथाकथित इस लोकतांत्रिक संविधान में जो अधिकार दिया है पूंजीपति के शासन ने, उसको भी लागू करने के लिए, उसको लागू कराने के लिए जेलों में हवा खाना पड़ेगा, यातना सहनी पड़ेगी, तो मजदूर आज उस यूनियन के लिए नहीं अपनी सत्ता के लिए संघर्ष करेगा। और इंकलाबी मजदूर केंद्र के तरफ से मैं यह आह्वान करता हूं दोस्तों कि आज इसी बात को लेकर के पूरे मजदूर वर्ग में हमें खड़ा होने की जरूरत है। आज तनख्वाहों की लड़ाई नहीं है, मजदूर वर्ग के सत्ता की लड़ाई की जरूरत है, मजदूर राज के लिए संघर्ष की जरूरत है, इंकलाब जिंदाबाद। पूंजी बार बार विभाजन करती जाती है मजदूर वर्ग को, परमानेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, स्थाई मजदूर, अस्थाई, लोकल माइग्रेंट में, महिला पुरुष में, इसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाया है। इस संघर्ष ने यह भी दिखाया है कि जैसे जो चार्टर ऑफ डिमांड्स वगैरह जिसको लेके ये चल रहा था पहले भी, जिसमें इन लोगों ने बोला कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर, भूख हड़ताल का कार्यक्रम था नवम्बर में, जिन्होंने जब बाहर निकाले हुए जो मजदूर हैं, जेल के अंदर जो मजदूर हैं, फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर है, इनका भी यूनिटी किस तरीके से हो सकता है, इसका एक मिसाल रखा। अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में भी पर्चा बांटा गया है, अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में अलग मजदूरों के साथ कि हमारा संघर्ष, जब मारुति मजदूरों का बस संघर्ष नहीं है, पूरे ही मजदूर वर्ग का संघर्ष है, इसको ये मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम भी मजदूर अगुवाई से कर रहे हैं। संगठन है ये आज के डेट में ही 50 अलग अलग जगह में, 15 राज्यों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं सॉलिडारिटी में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सॉलिडारिटी का कार्यक्रम और भी आगे बढ़ेगा। और सॉलिडारिटी बस एक सिंबॉलिक रूप में, कहीं सॉलिडारिटी का ही बात नहीं होगा बस, लेकिन यह वर्ग संघर्ष का जो मुकाम है इसको और आगे बढ़ाने के लिए के तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ भाषण का जुल्म के साथ साथ मजदूरों ने जो साहस का साथ, जो बहादुरी का साथ ये लड़ाई चला रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात बन गया। जो आज मारुति मजदूरों का जो लड़ाई, ये लड़ाई को लेके सिर्फ मारुति मजदूरी नहीं है, मारुति मजदूरों का साथ आस पास का जो गुड़गांव बनेश्वर क्षेत्र के मजदूर तो है, लेकिन इसके साथ साथ पूरा हिंदुस्तान
जब आप देश के बाकी हिस्सों में हम मजदूर वर्ग के पास जाएंगे, मेहनत का सामान के पास जाएंगे कि आइए मजदूरों, मारुति के जो मजदूर हैं उनकी ये मांगे हैं, इन पर आप उनके साथ आइए। ये सही बात है कि जो भुक्तभोगी होता है, जो उस चीज से गुजर रहा है, वो उस चीज की पीड़ा या उस दर्द को संभवतः ज्यादा अच्छे से महसूस कर पा रहा है। तो मारुति के मजदूर जब ये बात कहते हैं कि उनको ये होना, उनकी ये बातें मानी जानी चाहिए, उनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए, तो समझ में आता है। लेकिन जो लोग आंदोलन में हैं, जो व्यापक समाज के व्यापक बदलाव की बात करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को देखना होगा कि कहीं इकाई का संघर्ष बन के ना रह जाए। बाकी मजदूर तबका जो भी शोषित हो रहा है, उस दर्द से गुजर रहा है, उसके अपने तरह के अनुभव हो सकते हैं, वो सिर्फ दूसरे की पीड़ा के आधार पर उस संघर्ष का हिस्सा बन जाएगा, ये शुभेच्छा हो सकती है। संभावना कितनी है मुझे नहीं पता, ये सवाल है मेरे लिए। तो वैसे मैं कहीं ना कहीं मजदूर एकता केंद्र की तरफ से मेरा ये मानना है, हमारे संगठन की, हमारे जो हम जो संघर्ष छोटी इकाई के तौर पर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा ये मानना है कि जब तक इस लड़ाई को व्यापक रूप नहीं दिया जाएगा, मजदूरों की साझा मांगों को सम्मिलित इसमें नहीं किया जाएगा, और जब तक देश के बाकी मेहनतकश आवाम को ये नहीं महसूस कराया जाएगा कि इस लड़ाई में उतरने से कहीं ना कहीं उनकी जीत भी तय होगी या उनके लिए भी स्थितियां बेहतर बनेंगी, तो ये संभावना कम ही है कि वो सिर्फ दूसरे की पीड़ा के आधार पर। पहले जो अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक जो रैली निकली थी, उसमें ये मांग थी ठेका मजदूरों के लिए 15,000 और जो नियमित कर्मचारी हैं, जो परमानेंट मजदूर हैं, उनके लिए 25,000। भाई हम खुद ही दो तरह के वेतन की बात क्यों कर रहे हैं? राज्य तो वैसे ही दे रहा है दो तरह का वेतन, हम बस उसमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठेकेदारी बनी रहे लेकिन थोड़ा अच्छा सा मिले, ताकि वो ठेकेदार, अब 15,000 मिलेगा तो सब हम ज्यादा मिल जाए। जाहिर सी बात है, मेरी बातों से कभी भी ना लगाया जाए कि मजदूरों को ज्यादा मिलने के हम लोग खिलाफ, लेकिन इस चीज को साथी लोग समझते भी हैं कि कहीं ना कहीं वेतन की बढ़ोतरी से एक तरह का, आप ये समझिए कि संतोष या व्यवस्था के प्रति विश्वास या ये पैदा होता है कि हाँ इतना मिल रहा है, इससे चीजें चल रही है। आप एक ही मांग रखिए, हमारा ये कम से कम मानना है कि समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वो ठेका मजदूर हो चाहे वो नियमित कर्मचारी हो। ही आंदोलन किया और इस समय भी कल तक हमारे पास खबर आ जाएगी कि मुंबई से लेकर पटना से लेकर लखनऊ से लेकर बरेली तक हम कितने लोग जुटा पाए, कितने लोग वहां सड़कों पर उतरे और कितने लोगों ने अपने जुझारू तेवर में पूरे ताप और तेवर के साथ अपने एकजुटता को जाहिर किया। हम पिछले अनुभव से जानते हैं कि यह संख्या कोई बहुत बड़ी होने नहीं जा रही। इसके निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की जो पूरी देशव्यापी वर्गीय एकजुटता के जो प्रदर्शन है वो नहीं होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, लेकिन ये एक सहायक कारक हो सकता है, एक सब्सिडियरी कारक हो सकता है, एक मददगार कारक हो सकता है अपने आप में। पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन हम 10 बार भी करें तो हम प्रशासन को खुजली भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो बैठा हुआ है संसद विधानसभा में लुटेरों का तबका, इसको खुजली भी नहीं होने वाली है। हाँ इतना जरूर है कि इस चीज से हमें कम से कम अपनी वर्गजुटता का एहसास हो, लेकिन असली कदम, असली वो चीजें जिसकी वजह से यह संघर्ष मकाम तक पहुंच सकता है, वो चीजें हम हाथ में लेने में देर कर रहे हैं। यह कड़वी सच्चाई है और इसको मानना चाहिए। हम लोग बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से जब 7-8 नवंबर को नए सिरे से मारुति संघर्ष शुरू हुआ तो हमने एक पर्चा निकाला था 4 पेज का, जिसका नाम था आगे का रास्ता क्या। पिछला जो अनुभव रहा था सोनू गुज्जर और शिव कुमार के टाइम का जो अनुभव था, वो अनुभव भी हमारे सामने है। जब MSEU जो हुआ करती थी, मारुति सुजुकी एम्प्लॉइज यूनियन, और उसके दौर में जो संघर्ष चला वो एक पराजय में खत्म हुआ, इस बात को तमाम लोग मानने को तैयार नहीं हुए। जो शर्मनाक समझौता जिस पर दस्तखत करके दोबारा काम कारखाने में शुरू हुआ,
वो समझौता किसी भी तरीके से एक आंशिक विजय भी नहीं थी, एक आंशिक जीत भी नहीं थी, लेकिन तमाम जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन हैं, तमाम और भी लोग हैं, उसको विजय के तौर पर चित्रित किया गया। ये झूठ जो हम अपने सीनों में पाल रहे हैं, पहले इस झूठ से मुक्ति पाने की जरूरत है। वो विजय नहीं थी, वो एक हार थी, और उस हार के मलबे पर, उस हार के जो डेब्रिस था, उस पर एक बार नए सिरे से मारुति मजदूरों ने अपना क्रांतिकारी संघर्ष खड़ा किया, जब MSWU बना और नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत। लेकिन वो संघर्ष भी अभी एक ठहराव का शिकार है, ये बात हमें माननी चाहिए। और तब जब हम एक जगह डेरा डाल देंगे, वहीं भंडारा चलेगा, वहीं खूंटा गड़ेगा, तो देश की सारी यूनियनें भी साथ आएंगी, तब देश के सारे संगठन भी साथ आएंगे। निपट सकता है जब उसके साथ इलाकाई उभार मजदूरों का खड़ा हो, समस्त ऑटोमोबाइल मजदूर खड़े हो, उनका एक मांग पत्रक तैयार करके एक डेढ़ महीने, दो महीने, तीन महीने का फैक्ट्रियों में प्रचार किया जाए, वॉलंटियर कोर बनाई जाए। और ये एक लंबा काम, वो अभी नहीं कर सकते, हम भी मानते हैं। अभी जो मारुति का संघर्ष है, उसमें फिर हमें करना क्या चाहिए? हरियाणा में हमारा स्पष्ट मानना है, बिगुल मजदूर हरियाणा में आप कहीं करेंगे नहीं होने वाला, डेरा भी उजाड़ दिया जाएगा अगर हम कहीं डालेंगे डेरा, और वो खबर तक नहीं बनेगी किसी लोकल अखबार तक। इसलिए सही जगह कौन सी होनी चाहिए, यह हमारा मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी मारुति मजदूर भी इस देश के बराबर के हक हासिल किए हुए नागरिक है, और ये वो जगह है जहां पर वो उजाड़ नहीं सकते हमें, जहां से वो खदेड़ नहीं सकते हमें। ये जंतर मंतर एक विचित्र जगह, इसका नाम ही जंतर मंतर है, इसका नाम जंतर मंतर तंतर भी रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तंतर से बहुत काम होता है। तो इसलिए ये जो जगह है, इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। यहाँ दिल्ली में एक जगह डेरा डालिए, उसके बाद सेंट्रल ट्रेड यूनियन कमेटी भी आपके साथ आएगी, अपनी मोल भाव की ताकत बढ़ाइए। कोई जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, आपको छोड़ के जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जब आप एक जगह खूंटा गाड़ेंगे ना, तब आपके साथ लोग आएंगे, मजबूरन भी आएंगे, इच्छा से भी आएंगे, और पूरे जुझारूपन के साथ भी आएंगे। ये एक आत्मालोचना के लिए भी एक अवसर है, और मुझे लगता है कि इस मौके पर मेडिकल नोट्स की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे अपना आत्ममंथन और आत्म आलोचना इस पूरे आंदोलन की करनी चाहिए, क्योंकि बगैर आत्म आलोचना के कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन अपनी क्रांतिकारिता जिंदा नहीं रख सकता, और उसकी नियति बन जाती है कि वो एक सुधारवादी आंदोलन में परिवर्तित हो जाए और पूरी तरह से व्यवस्था में समा जाए। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो पहले भी साथी कह चुके हैं, कि अभी तक जो हम आंदोलन चलाते आए, जो संघर्ष करते आए, वो अभी तक एक सिर्फ और केवल समर्थन की लड़ाई रही। ये अच्छी बात है कि हम मारुति मजदूरों, मारुति मानेसर के मजदूरों के समर्थन में बार बार एकत्रित होते रहे, इकट्ठा होते रहे, पर मुझे लगता है कि इस पूरे समर्थन की लड़ाई में हमें एक इशारा किया जा रहा है, एक इंगित आ रहा है, जो ये हम बार बार एकत्रित हो रहे हैं, और वो इशारा ये है कि हमको इस समर्थन की लड़ाई को सहयोग या सॉलिडारिटी की लड़ाई में बदलने की ज़रूरत है। कहने का अर्थ ये है कि समर्थन में हम जब साथ आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक मौका है, जिस मौके को पूरी तरह से हम इस्तेमाल करें और इस समर्थन की लड़ाई को हम सहयोग की लड़ाई में बदलें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो अलग अलग जो हम अपने क्या कहें सामाजिक ऐतिहासिक जो हमारे अनुभव, उसके आधार पर जो अलग अलग संगठनों में हम विभाजित, जो अलग अलग गुटों में हम विभाजित, हमारे संगठन मठ बनते चले जा रहे हैं, हमारे संगठन गुट बनते चले जा रहे हैं, और उसका आधार है हमारे अलग अलग जो सामाजिक ऐतिहासिक अनुभव है, वो उसके आधार है। तो हमें लगता है कि उन अनुभवों को साथ लेकर हम एक साथ आए, केवल समर्थन के लिए नहीं, एक सामूहिक व्यवहार की तरफ बढ़ने के लिए, एक कलेक्टिव प्रैक्टिस की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि बगैर कलेक्टिव प्रैक्टिस के, आंदोलन के कलेक्टिव प्रैक्टिस, हाँ सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं, धरना प्रदर्शन तो उसका एक इफेक्ट, उसकी एक छवि है, लेकिन उसके पीछे जो लगातार आंदोलन चलते हैं, वो आंदोलन गुटों में विभाजित है, और उनकी जो लक्ष्मण रेखाएँ हैं, उनके जो बाउंड्रीज हैं, उनको हमें लांग अपने अपने ऐतिहासिक सामाजिक अनुभवों के आधार पर साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इन्हीं समर्थन की लड़ाइयों में, जो कि समर्थन की लड़ाई भी ना कहें, इन समर्थन
इनके जो विभिन्न जो फॉर्म्स जो स्वरूप जैसे कि धरना प्रदर्शन, उसी में हम अपने सांगठनिक राजनीति सांगठनिक अस्तित्व की पुष्टि ढूंढते रहेंगे और पाते रहेंगे और औचित्य भी पाते रहेंगे, ढूंढते और पाते रहेंगे। और ये एक बहुत ही खतरनाक मामला होगा, क्योंकि इसमें होगा क्या कि हम क्रांतिकारी मुहावरों में, बेसिकली हम क्रांतिकारी मुहावरों में उदारवादी अधिकार के विमर्श की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर अधिकार की विमर्श की लड़ाई से, जो कि उदारवादी व्यवस्था की लड़ाई है, उसमें सुधार की लड़ाई है, इस उदारवादी व्यवस्था का जो पूरा वैचारिक तंत्र है उसमें समा कर इस पूरे सिस्टम के पार्ट बन जाने में की प्रक्रिया है, उसको अगर हम ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो हमारा हश्र यही होगा कि हमें तो लगेगा कि हम क्रांति कर रहे हैं, हमें तो लगेगा कि हम बहुत जुझारू क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन हम बार बार इसी सिस्टम में जो अलग अलग जो हमारे लिए जो जगह जो स्पेसेस दिए गए उसी में समाते चले जाए। कहने का अर्थ ये नहीं है कि अधिकारों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अधिकारों की लड़ाई एक महत्वपूर्ण रणकौशल है क्रांतिकारी संघर्ष के, महत्वपूर्ण रणकौशल, पर वो रणकौशल टैक्टिक्स तभी तक महत्वपूर्ण है, तभी तक वो क्रांतिकारी रणकौशल है जब तक हम इस बात को समझते हैं और अपने आंदोलनों के द्वारा क्रियान्वित करते हैं कि अधिकारों की लड़ाई एक मूर्त अभिव्यक्ति है। ये जो पूरे सामाजिक सत्ता की जो संरचना है, जो वर्गीय संरचना, उसको बदलने की मूर्त अभिव्यक्ति, और उस मूर्त अभिव्यक्ति के बतौर हम इस संघर्ष को चलाते हैं। अगर हम ये नहीं समझ पाते, हम अगर इस ये क्रियान्वयन समझदारी की ही बात नहीं, इस समझदारी का क्रियान्वयन अगर हमारे आंदोलन के मार्फत नहीं हो पाता तो हम तो फिर ये रणकौशल नहीं है, ये क्रांतिकारी रणकौशल नहीं है, ये केवल और केवल उदारवादी वैचारिक झांसे में फंसने का ये प्रक्रिया, इससे ज़्यादा इससे अधिक कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम एक सामूहिक प्रैक्टिस की तरफ, एक सामूहिक व्यवहार की तरफ कैसे बढ़ें, अपने अपने जो आधार हैं, जो मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ, अपनी समझदारी के जो आधार हैं अलग अलग संगठनों के अलग अलग गुटों में, जो आधार है अनुभवों का, ऐतिहासिक सामाजिक अनुभवों का, अपने अपने लड़ाई के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों में हम संकुचित ना हो, उससे हम सीखें और उनकी लक्ष्मण रेखाओं को लांघें और एक सामूहिक प्रैक्टिस की तरफ बढ़ें। और उसमें मुझे बस सिर्फ केवल एक बात और कहनी है कि उस सामूहिक प्रैक्टिस का अर्थ क्या जंतर मंतर, हरियाणा भवन, राष्ट्र द्वारा दिए गए अलग अलग जो स्पेसेस हैं, अलग अलग जो स्थल हैं, वहाँ पे केवल एकत्रित होकर वो लड़ाई क्या हम जारी रख सकते हैं, क्या उसकी क्रांतिकारी जुझारूपन जो है उसका उसको बरकरार रख सकते हैं? ये मैं एक सवाल के बतौर आप सारे साथियों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हमारे ये सारे आंदोलन, हमारे ये सारे धरना प्रदर्शन, अगर पूंजी और श्रम का जो दैनिक विरोध और उस विरोध से जो वर्ग संघर्ष की जो राजनीति उभरती है, अगर उसको तेज और तीखा ना कर पाए तो इस आंदोलन का क्या अर्थ है? क्या ये आंदोलन वो दैनिक वर्ग संघर्ष जो पूंजी और श्रम के दैनिक विरोध से जो पनपता है, क्या उसको तीखा कर पा रही है, क्या उसके तेवर में तेजी ला पा रही है? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है।